कैराना और नूरपुर उपचुनाव में सपा के साथ गठबंधन किए हुए राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी की जीत से लोकदल के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। इसी खुशी में राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर जमकर आतिशबाजियां की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां भी दी। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सुधाकर पांडे, प्रदेश महासचिव रजनीकांत मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष अनिल पांडे, महानगर अध्यक्ष नरेंद्र श्रीवास्तव, राकेश गुप्ता सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष नरेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, 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 राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जैन चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी अजय सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विपक्षी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, चौधरी अजीत सिंह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जैन चौधरी, जिंदाबाद, महागठबंधन, महागठबंधन, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आइए आइए, आप हो जा, हो जा, हो जा, हो जा, हो गया लियो ना। बहुत बड़ी इस प्रदेश की जनता को बधाई है। प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 4 साल के कार्यकाल को देखा और उनके झूठे वायदों से छली गई। गोरखपुर चुनाव में, फूलपुर चुनाव में जनता ने जो साहसिक निर्णय लिया, कैराना की जनता को हृदय से नमन है कि उसने उसको, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इन फिक्राप्रस्ती ताकतों को करारा जवाब दिया है। और इनके झूठ, इनके मक्कारी, इनके धोखेबाजी को जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। यह चुनाव आने वाले 19 के चुनाव का क्या, 2019 में भी आप लोग का इसी तरह गठबंधन होकर लड़ा? जी हाँ, हमारा गठबंधन 2019 में भी इसी तरह रहेगा और हम इसी तरह से चुनाव जीतते जाएंगे। जनता इनके शासन से ऊब चुकी है और इनको कब हर चुनाव में इसी तरह करारा जवाब देगी।